हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक मिश्रा। स्वागत करता हूँ मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, जो कि बजट 2021-22 पर है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी को आप डीप में समझ पाए। फाइनेंशियल लिटरेसी का अर्थ है कि आप इतने सक्षम हो कि अपने पैसों को स्वयं मैनेज कर सके। फाइनेंशियल लिटरेसी को फाइनेंशियल लिटरेट होने का अर्थ कोई एक स्किल को समझना या जानना नहीं होता। फाइनेंशियल लिटरेसी में कई फाइनेंशियल स्किल्स आते हैं, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग एक्सेट्रा। बिकॉज इट्स नीड ऑफ द आवर। आज हम सब अपने स्कूल कॉलेजेस में बुकिश नॉलेज ले लेते हैं। बुकिश नॉलेज से जो हम पैसे कमाते हैं, उस पैसों को मैनेज करना हम नहीं सीख पाते। आज भारत, जो दुनिया की 20% आबादी का घर है, वहाँ केवल 24% लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो ज़रूरी नहीं आप फाइनेंशियल लिटरेट हो। और हाँ, अगर आप एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं तो आप फाइनेंशियल लिटरेट हो सकते हैं। वैसे तो फाइनेंशियल लिटरेसी में कई स्किल्स होते हैं, लेकिन एक जो हाइलाइटेड स्किल होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो आप अपने एक्टिव इनकम से सेव करके, उसे इन्वेस्ट करके अपना पैसिव इनकम कमाते हो। अब ये इन्वेस्टमेंट आप कई जगहों पे कर सकते हो, जैसे कि FD, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इक्विटी, रियल एस्टेट, और भारत में सबसे सेफ माने जाने वाला इन्वेस्टमेंट गोल्ड। इन सब के बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको ये वीडियो जैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।